जो लिक्विड फ्लो होता है, दो टाइप का फ्लो होता है, एक होता है आपका स्ट्रीम लाइन और दूसरा होता है टर्बुलेंट। ठीक है, तो जब भी कोई फ्लूइड या लिक्विड है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि हर एक पार्टिकल जो है इसका, वो अपने पहले वाले पार्टिकल के ही रास्ते को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्लो कुछ ऐसा है कि ये अपने पहले वाले को फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम कहते हैं इसको टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है इसमें जो स्पीड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट होती है, और अगर इनके पाथ को ट्रेस किया जाए तो वो एक लाइन के फॉर्म पे आती है। और अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट से, अगर हम इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अब जो स्ट्रीम लाइन है वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट जो है किसी पार्टिकल का, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड, हम लोग कोई पॉइंट एक्स वाई जेड ले रहे हैं, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है वी इज इक्वल्स टू आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड, और डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो टेंजेंट का डायरेक्शन है। तो फिर स्ट्रीम लाइन के लिए कंडीशन हो जाएगी डी एक्स अपॉन वी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी वाई इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वी जेड। और अगर आपका जो सरफेस है वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई प्लस वी जेड डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये अगर स्ट्रीम लाइन से नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर जो कंडीशन है वो हो जाएगी वी डॉट कर्ल वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि कर्ल हमको पता है कि ये रोटेशन के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स डेल वी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वी वाई बाई डेल जेड प्लस वी वाई डेल वी एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल वी जेड बाई डेल एक्स प्लस वी जेड डेल वी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा। तो जो फ्लो है किसी फ्लूइड का वो स्ट्रीम लाइन तब होगा जब उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम होगी, वो वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसको वी सी से डिनोट किया जाता है। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो स्पीड और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी क्रिटिकल से ज़्यादा होगी तो तब हम लोग कहेंगे कि जो फ्लो है वो कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो है। और ऐसे फ्लो में जो पार्टिकल है वो रैंडम या ज़िगज़ैग पाथ को ओबे करता है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो हम लोग कैसे शो करते हैं, कुछ इस तरीके से, और टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग कैसे शो करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये दो आपके स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो जो हैं किसी भी फ्लूइड में इसी तरीके से पार्टिकल्स मूव करेंगे।